तेलंगाना में कोरोना वायरस के मजीद 3 मस्बित केस दर्ज हुए हैं, जिनमें निर्भया से 2 और दुबई से 1 हैदराबाद पहुंचे वाले हैं, और इन तीनों में अलामत पाए जाने पर इलाज शुरू किया गया था और उनका टेस्ट मस्बित बरामद हुआ। इस तरह तेलंगाना में कोरोना वायरस के 16 केसेस हो गए, और इसी दौरान जिले कामारेड्डी में 30 साल सीआरपीएफ जवान नरेश, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हिंदुस्तान सरहद पर तैनात था, उसमें भी अलामत पाए जाने पर हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल में शरीक करा दिया गया। 3 दिन कबल नरेश रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के रामारेड्डी मंडल के मौसे रेड्डी पेट तांडा आया था। बताया गया है कि सीआरपीएफ जवान ने ट्रेन में सफर किया था। इस ट्रेन में इंडोनेशिया के शहरी भी थे, जो करीमनगर में कोरोना वायरस से मुतासर बताए गए हैं। इब्तदा में सीआरपीएफ जवान को कामारेड्डी के एरिया अस्पताल में शरीक किया गया था। आरएमओ अजय कुमार ने डॉक्टरों की टीम ने जांच की, और जिले कलेक्टर कामारेड्डी ए शरद कुमार की हिदायत पर एम्बुलेंस में हिफाजती इंतजाम में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अभी जवान की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है।